नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं अलका। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़े समेत कांग्रेस के दो अन्य सांसदों में एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा के लिए संस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। वहीं टीएमसी ने इसी मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। मराठा आरक्षण की आग से महाराष्ट्र सुलग उठा है। सोमवार को कई हिस्सों में आगजनी, सड़क जाम, पुलिस पर हमले, बंद की ताजा घटनाएं हुई, जबकि एक व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुणे में उपद्रवियों ने 100 से अधिक वाहन फूंक दिए। इधर आंदोलनकारियों ने कल से मुंबई में जेल भर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रही हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं से मिलेंगी। इसके अलावा बीजेपी के बागी नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। ममता बीजेपी के बागी नेताओं में शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मिलेंगी। ये मुलाकात वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के घर पर होगी। आपको बता दें, जेठमलानी आरजेडी से राज्यसभा सदस्य हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दक्षिण की राजनीति के मुख्य स्तंभों में से एक एम करुणानिधि बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनको देखने राज्य के ढेरों दिग्गज जा चुके हैं, लेकिन सुपरस्टार और राजनीति के नए नवेले रजनीकांत अभी तक उनसे मिलने नहीं गए हैं। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उनसे मिलने चेन्नई जाने वाले हैं। कावेरी अस्पताल में भर्ती करुणानिधि का हालचाल लेने के लिए मंगलवार को उनकी बेटी सेल्वी के अलावा डीएमके के वरिष्ठ नेता ए राजा और टीआर वालू भी अस्पताल पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर अलग अलग अवतारों में नजर आते हैं। सावन के महीने में तेज प्रताप अब भगवान शंकर की वेशभूषा में नजर आए हैं। मंगलवार को आरजेडी नेता तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ पटना के कांवड़ लेकर बाबा बैजनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान वे भगवान शंकर के वेश में दिखे। वो हाथ में त्रिशूल डमरू भी लिए थे, साथ ही शरीर में भभूत भी लगाए हुए थे और रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है। वीडियो में बिहार के भाजपा एमएमसी नवल किशोर यादव प्रदेश के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को खुली धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट के साथ वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा के एमएलसी नवल किशोर माननीय राज्यपाल को इसलिए धमकी दे रहे हैं क्योंकि वह शिक्षा माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और टीम ने इसकी जांच शुरू भी कर दी है। लेकिन वहीं इस मामले की जांच के बीच ही सोमवार की शाम बिहार में सीबीआई की बड़ी नाकामी नजर आई है। मुजफ्फरपुर के ही नवरूना हत्याकांड मामले में सीबीआई निर्धारित अवधि तक कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकी, जिसकी वजह से इस हत्याकांड के आरोपितों को जमानत मिल गई है। वहीं बालिका गृह मामले के तार रसूखदारों से जोड़ने की बात सामने आ रही है। बालिका गृह यौन हिंसा और दुष्कर्म मामले की जांच में एक नई बात सामने आई है। जांच एजेंसी को अब एक मिस्ट्री वुमन मधु की तलाश है, जो ब्रजेश की काली करतूतों की राजदार है। मधु लालटेन पट्टी उजड़ने के बाद पहली बार ब्रजेश ठाकुर के संपर्क में आई थी। मधु ब्रजेश ठाकुर के संगठनों को देखना चलाना करती थी। ब्राजील के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने एक नया इंसान बनने की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि रूस में हुए विश्व कप में किए गए अपने व्यवहार की आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं। विश्व कप में कोस्टा रिका के खिलाफ पेनल्टी लेने के लिए नए मेनार के नाटक के बाद उनका वीडियो काफी वायरल हो गया है, जिसके बाद नेमार को खेले भावना को लेकर काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। मुक्काबाज फिल्म से दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुके अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने अपनी आगामी फिल्म गोल्ड फिल्म में नजर आने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म में काम करने के लिए डायरेक्टर रीमा कागती से एक्टर विनीत ने अहम बात छिपाई थी। दरअसल मुक्काबाज फिल्म की रिलीज के बाद विनीत आगामी फिल्म गोल्ड की ट्रेनिंग के लिए विदेश चले गए थे, जहां उन्हें काफी बाकी एक्टर्स के साथ
हॉकी खेली थी, लेकिन उस समय उनके दाएं पैर में चोट लगी थी। इस चोट की वजह से विनीत को लग रहा था कि कहीं उन्हें फिल्म से निकाल ना दिया जाए। अब तक की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।